हे हाय हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसे फूड आइटम्स के बारे में बात करने वाले हैं जो कि आपको इस मानसून सीजन में कम्प्लीटली अवॉइड करनी चाहिए। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट मेक श्योर वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना है, और भी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए मैंने जब आपको सब्सक्राइब करना है, साइड सब्सक्राइब बटन है उसको प्रेस करना है, और साइड नोटिफिकेशन का बेल है उसको भी प्रेस करना है। सो अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में आ जाएगा। और आप मेरे को पहली बार देख रहे हो, सो मेरा नाम है संकिता। सो मैं इस चैनल पे स्किन केयर, फैशन, ब्यूटी रिलेटेड बहुत सारे वीडियो डालती हूँ। सो आपको इन सारी चीजों में इंटरेस्ट है तो सब्सक्राइब का बटन जरूर प्रेस कीजिए। सो अभी मेरी बकबक हो गई कंप्लीट। सो एक्चुअली में हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो मानसून सीजन में बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी होती है, और ह्यूमिडिटी होने की वजह से हमारी जो स्टमक के प्रॉब्लम हमें स्टार्ट होने लगते हैं, और पेट खराब होने से उसके जो साइड इफेक्ट्स है वो हमारे डायरेक्टली स्किन पे पड़ते हैं, और हमें एक्ने, पिंपल्स होना स्टार्ट होने लगते हैं। और मानसून सीजन में हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो थोड़ा स्लो डाउन हो जाता है, और वो स्लो डाउन होने से हमको स्किन के इश्यू स्टार्ट होने लगते हैं। सो इस मानसून सीजन में हमें अच्छा हेल्दी और न्यूट्रिशन वाला फूड खाना चाहिए। सो आपको भी लगता है इस मानसून सीजन में आपकी भी स्किन हमेशा हेल्दी, ग्लोई और शाइनी और ब्राइट दिखे, सो ये फोर फूड आइटम आपको कम्प्लीटली अवॉइड करनी चाहिए इन मानसून सीजन में। सो चलिए देखते हैं वो कौन से वो फूड आइटम है वो आपको कंप्लीटली अवॉइड करने हैं। सबसे पहला वाला जो फूड आइटम है वो है मिल्क, और मिल्क से बने कौन सी भी चीज आपको बहुत ज्यादा बिल्कुल भी नहीं लेनी है इस मानसून सीजन में, क्योंकि मिल्क और मिल्क के जो प्रोडक्ट है, डेयरी प्रोडक्ट है, उसका ज्यादा इंटेक करने से आपका डायरेक्ट इफेक्ट हमारे हार्मोन्स पे पड़ता है, और हार्मोन्स इधर के उधर हो गए तो समझो स्किन पे एक्ने, पिंपल्स आ गए। तो इसलिए आपको मिल्क और मिल्क से बने बहुत सारे प्रोडक्ट है वो आपको बिल्कुल भी ज्यादा इंटेक नहीं करने, ज्यादा बिल्कुल भी नहीं खाने, उसका लिमिट है तो उस लिमिट तक ही हमको खाने हैं, बहुत ज्यादा बिल्कुल भी नहीं खाने। और मानसून सीजन में हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो थोड़ा स्लो डाउन होता है, तो उस टाइम वो मिल्क के प्रोडक्ट है वो डाइजेस्ट करने में थोड़ा हार्ड होता है, तो इसलिए मिल्क के जो प्रोडक्ट है वो आपको लिमिट में खाने हैं। सो हो सके तो मिल्क के जो प्रोडक्ट है वो आपको थोड़े कम ही करने हैं, तो ऐसा करने से आपके स्किन पे कोई भी पिंपल या एक्ने बिल्कुल भी नहीं आएगा। ये जो हैक है आप डेफिनेटली ट्राई कीजिए, आप थोड़े मिल्क के प्रोडक्ट कम करें तो आप देखिए आपके स्किन में कितना ज्यादा फर्क पड़ेगा, आपके एक्ने कम हो जाएंगे, आप पिंपल्स आना बंद हो जाएगा। तो ये वाली टिप है ना, आप जरूर एक बार ट्राई करके देखिए। उसके बाद आते हैं सेकेंड प्रोडक्ट पे, वो है फ्राइड वाले फूड। फ्राइड वाले फूड हमको बिल्कुल भी नहीं खाने, पर अभी तो बोल रहे हो बारिश में पकोड़े खाने का मजा ही कुछ अलग है। मैं आपको एक्स्ट्रा कुछ अलग बताने की जरूरत नहीं है, आप भी पता है कि बारिश में कुछ गरम गरम खाने का मजा ही कुछ अलग है। उस बारिश को एंजॉय करते समय कुछ चाय विद चाय के साथ कुछ पकोड़े हो जाए तो अच्छा लगता है, मेरे को भी अच्छा लगता है, बट बहुत ज्यादा खाने से स्किन को इफेक्ट होता है। सो हद से ज्यादा खाने से हमारे स्किन पे इफेक्ट होता है, मतलब पिंपल्स आना स्टार्ट होने लगते हैं ज्यादा फ्राइड वाला फूड खाने से। सो आपको कितने भी खाने की मतलब इच्छा हो और थोड़ा आपने कंट्रोल किया ना, सो आपको एक्ने और पिंपल बिल्कुल भी नहीं आया। और मेन थिंग यही है कि जो एक्ने और पिंपल्स है हमारे फेस पे पूरा आ जाए, इधर उधर बिल्कुल भी नहीं आते बट फेस पे आते। सो फेस पे आने बहुत गंदा दिखता है, सो इसलिए आपको फ्राइड वाले फूड बिल्कुल भी नहीं खाने इस बारिश में। थोड़ा खा सकते हो बट लिमिट से ज्यादा बिल्कुल भी नहीं खाने। उसके बाद आते हैं थर्ड वाले फूड आइटम पे, वो है फ्रीजी फूड खाना, मतलब कोल्ड ड्रिंक या फिर आइसक्रीम खाना। ये सारे फूड आपको कम्प्लीटली अवॉइड करनी चाहिए, मतलब मेरे को भी अच्छा लगता है कभी कभी बारिश में आइसक्रीम खाना, सो ये आपको अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा ठंडा या कोल्ड ड्रिंक या फिर आइसक्रीम खाने से डायरेक्टली इफेक्ट होता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पे, वो थोड़ी वीक हो जाती है और हमारे जो पेट में जो मिनरल्स है अच्छे वाले उसको रिमूव कर देती है, सो डाइजेशन स्लो डाउन होता है, उस वजह से पेट के प्रॉब्लम स्टार्ट होने से पेट दुखने लगता है, इसके डायरेक्टली इफेक्ट हमारे स्किन पे होते हैं। सो इसलिए आपको फ्रीजी ज्यादा कोल्ड ठंडा वाला पानी बिल्कुल भी नहीं पीना है, आपको प्लेन वाला पानी पीना है, आपको आपके बॉडी को पूरा हाइड्रेट रखना है, डिहाइड्रेशन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए हमारे बॉडी पे, नहीं तो डिहाइड्रेशन की वजह से भी हमको पिंपल्स एक्ने आते हैं। और नेक्स्ट जो कैटेगरी है फोर वाला फूड आइटम है वो है आपको रॉ वेजिटेबल्स, आपको बिल्कुल भी नहीं खाने, आपको बॉइल वाले वेजिटेबल्स खाने हैं, क्यों? रॉ वेजिटेबल पे बैक्टीरिया होते हैं, वायरस होता है, वो डायरेक्ट कंज्यूम करने से हमारे पेट पे इफेक्ट होता है, पेट पे वो सारे वायरस या फिर बैक्टीरिया चले जाते हैं, स्टमक के प्रॉब्लम हो जाते हैं। सो आपको थोड़ा स्टीम करके वेजिटेबल्स खाने, बॉइल वेजिटेबल्स खाने हैं, सो ऐसे करने से जो वायरस है बैक्टीरिया वो किल हो जाएगा बॉइल के प्रोसेस में, सो आपका जो फूड है वो आपका हेल्दी वाला फूड आपके पेट में जाएगा, सो आपका पेट की प्रॉब्लम नहीं रहेंगी तो
पेट की प्रॉब्लम नहीं होने से आपको स्किन की प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं रहेगी। सो दैट्स इट गाइस फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको ये जो फोर फूड आइटम है आपको समझ चुके होंगे कि आपको ये कम्प्लीटली अवॉइड करनी है। आपको इस मानसून सीजन में बिल्कुल भी नहीं खाने ये फोर फूड आइटम्स। सो ऐसा करने से आपकी स्किन है वो हमेशा हेल्दी रहेगी, इस मानसून सीजन में हेल्दी ग्लोई शाइनी दिखेगी। सो ये फूड आइटम आपको कम्प्लीटली अवॉइड करनी चाहिए आपको हेल्दी स्किन चाहिए तो। सो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना है, और भी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, डेफिनेटली सब्सक्राइब करना। सो मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव योरसेल्फ।